देखिए मैं तेल ली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, जो कटे हुए प्याज थे वो भी डालूंगी, यहाँ पर सब जो सब्जियाँ है उसको मैं थोड़ा तोड़ लूंगी। देखिए ये वाला मैं तोड़ चुकी हूँ, अच्छे से टूट चुका है। मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, अदरक लहसुन जीरा। इसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज जीरा और एक मिर्च डाली हूँ, उसका मैं डाल दूंगी इसमें। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक इसका अदरक लहसुन का स्मेल खत्म न जाए। मैंने इसका आँच एकदम लो कर दिया है, अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। मैं हल्दी डाल चुकी हूँ, देखिए एक टमाटर छोटे साइज का, इसके ऊपर में नमक डालेंगे जिससे टमाटर जल्दी गल जाए। मैंने जब इन सब्जियों को फ्राई की थी, भूनी थी, तब किसी में मैं नमक नहीं डाली थी, इसी देखिए मैं नमक डाल दी हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें नमक डाल के नहीं मतलब फ्राई करना है, इसको सिर्फ फ्राई करना है बिना कुछ डाले, और मसाले में नमक डालना है जिससे कि टमाटर भी गल जाए तो मसाला अच्छे से फ्राई हो। मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करूंगी, क्योंकि मैं धनिया जीरा थोड़ा कम पीसी थी। आप लोग अगर जीरा ठीक अनुसार पीसिएगा तो इसमें कूटा मसाला मतलब कूटे हुए मसाले नहीं डालने पड़ेंगे। देखिए मेरे मसाले भुन चुके हैं, इसमें तेल छोड़ दिया है। मैंने सारे मसाले को मीडियम और लो आंच पे ही फ्राई की हूँ, जिससे कि मसाला जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। जो मैं फ्राई की हूँ वो सब्जी सब मैं एक एक करके डाल दूंगी। अब देखिए मैंने सभी सब्जियों को डाल दी हूँ, इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी, इसको भी मिक्स कर दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्योंकि सब चीज़ फ्राई किया हुआ है, सिर्फ मिक्स करना है। देखिए मेरा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो सब्जी अच्छे से पका नहीं है, बॉयल नहीं हुआ है तेल में, वो भी पक जाए। देखिए मैं इतना पानी ऐड कर चुकी हूँ, जिससे कि सारा सब्जी अच्छे से पक जाए। अब इसको ढक देना है। देखिए मैं ढक चुकी हूँ, अब इसको मैं तेज आंच में रख दूंगी थोड़ी देर, फिर कम कर दूंगी आंच को। देखिए आप ऐसे भी उतार सकते हो, ये तो रेडी हो चुका है मेरा सब कुछ। देखिए पक चुके हैं, क्योंकि आलू भी पक गया, ये ड्रम स्टिक भी, केला भी, करेला भी, बैंगन भी, सब कुछ मेरा अच्छे से पक चुके हैं। मेरा सुक्का बन के रेडी है। जो कुछ बैंगन है थोड़ा सा उसको कर दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से गल जाए, गल तो चुके हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। बंगाली सुक्तो रेडी है, बंगाली का सुक्ता, बाय दोस्तों।